हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे अगर हमारी बाइक का डायग्नोसिस लैंप अगर रेड हो जाए तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं दोस्तों कि आपके जो बाइक में इंडिकेशन सिस्टम होता है वहाँ पे एक इंजन डायग्नोसिस लैंप होता है, वो ये देख सकते हो। तो अगर ये रेड हो जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बाइक को चालू करके दिखाता हूँ। ये इग्निशन सिस्टम ऑन किया और यहाँ से मैंने अपने बाइक का किल स्विच ऑन किया, तो आप देख सकते हो कि हमारा इंडिकेशन सिस्टम फुल इन्फॉर्मेशन दिखाने लगा है। तो जैसा आप देख सकते हो, ये जो वार्निंग लैम्प है, ये हमारी जब बाइक स्टैंड पे रहती है और जब चालू नहीं होती है तो हमेशा ग्लो करता है, और जैसे ही मैं इसको चालू कर दूंगा तो ये हमारी जो इंडिकेशन सिस्टम है उसका चला जाना चाहिए, ऑफ़ हो जाना चाहिए। तो इन केस अगर आपकी बाइक का ये, जैसे देख सकते हो इस बाइक में अभी येल्लो कलर का आ रहा है इंडियन जो इसका इंडिकेशन सिस्टम है, तो अगर ये रेड कलर का हो जाए तो आपकी बाइक में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये रेड ग्लो हो गया है? और ऑब्वियसली ये आपके इंजन से रिलेटेड है, तो रेड होने का मतलब है कुछ आपकी बाइक में मेजर प्रॉब्लम है। तो आपको ज़्यादा हैरान होने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका मेन कॉज है कि आपके जो बाइक का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बाइक में ये जो आपका इंजन डायग्नोसिस लैम्प है वो रेड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके जो आपके नियर बाई जो भी इसका सर्विस सेंटर होता है वहाँ आपको अपनी बाइक को ले जाना है, वहाँ पे ही आप अपने जो इंजेक्शन सिस्टम है वहाँ ओपन करा के एक बार चेक करा लीजिए। और आपका मतलब 100% में से 80% चांसेस होते हैं कि जब भी आपका बाइक का डायग्नोसिस लैंप अगर रेड होता है तो उसका मेन कॉज यही होगा कि आपका इंजेक्शन सिस्टम थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप अपनी बाइक का जो इंजेक्शन सिस्टम है वो रिपेयर करा लीजिए। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जाने से पहले। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, राइड सेफ।